आज मैं आपके लिए फ्रिज की क्लीनिंग का वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रिज की पावर सप्लाई को बंद करने के साथ साथ उसका पावर प्लग भी निकाल देंगे और अब हम अपने फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखा हुआ होता है उसे हमें बाहर निकालना होगा। तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्रिज में से सारा सामान बाहर निकाल दिया है और अब हमारी फ्रिज में जो अटैचमेंट होते हैं उन्हें भी हमें अलग से ही क्लीन करना होता है। उन्हें हम फ्रिज में क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो मैं उन्हें भी निकाल देती हूँ। और उसके साथ ही यहाँ पे जो नीचे वेजिटेबल बास्केट होती है उसे भी हमें अलग से ही क्लीन करना होगा, तो उसे भी मैं निकाल देती हूँ। तो सारे अटैचमेंट मैंने निकाल दिए हैं और अब मैं जो डोर वाले ये अटैचमेंट होते हैं इन्हें भी निकाल देती हूँ। अगर आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं तो ही इन्हें निकाल के अलग करिएगा। और इन्हें निकालने के बाद हम फ्रिज को बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने निकाल दिए हैं। अब हम अपने फ्रीजर की तरफ चलते हैं। तो सिंगल डोर वाले जो फ्रिज होते हैं उनकी फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइस चढ़ने की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए फ्रिज में एक डीप फ्रेस बटन रहता है, तो उसे मैंने पहले ही दबा दिया था, तो उससे जो भी फ्रीज़र में एक्स्ट्रा आइस थी वो सारी हट गई है। तो आप देख ही सकते हैं कि फ्रीज़र में एक्स्ट्रा आइस बिल्कुल नहीं है। अब हम क्लीन करने से पहले अपने फ्रीज़र के अंदर का जो भी सामान है उसे हम निकाल लेंगे। तो सामान निकालने से हम अपने फ्रीजर को भी आसानी से साफ कर पाएंगे। अब हम फ्रिज को क्लीन करने के लिए एक पेपर नैपकिन ले लेंगे और फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह रह जाती है, तो अभी हमारी फ्रिज ड्राई है तो हम इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो फ्रिज जब गीली हो जाती है तो उसे पेपर नैपकिन से क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पहले मैं जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह इसमें रह गई है, कूड़ा रह गया है, उसे हम पहले ही हटा देंगे ताकि फ्रिज को क्लीन करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। पेपर नैपकिन से क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बाउल में बेकिंग सोडा ले लिया है, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसे हमें अपनी फ्रिज में हर तरफ फैलाना होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से हमारी फ्रिज के अंदर जो भी गंदी स्मेल होती है जब हम खाना रखते हैं तो उसे आ ही जाती है, तो ये सारे गंदी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रिज में से सारी गंदी स्मेल हट जाती है। तो इसे डालने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रिज को बंद करके छोड़ देंगे। तो चलिए, तब तक हम अपने फ्रिज की क्लीनिंग के लिए एक DIY क्लीनर बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे और 1/4 कप विनेगर, और आप जो भी डिश जेल यूज़ करती हैं लगभग 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड करना है, और उसके साथ ही हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे लगभग 2 बड़े चम्मच। बेकिंग सोडा डालने के बाद इस क्लीनर में थोड़े से झाग उठने लगते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा सेटल हो जाने दीजिए और उसके बाद इसको एक स्प्रे बोतल में फिल करना है। इससे हमें फ्रिज को क्लीन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और अब हमने जो भी अटैचमेंट अपने फ्रिज में से निकाले थे उन्हें हम एक तरफ रख के इनको हमें वॉश करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि हम अपने बर्तनों को वॉश करते हैं। तो मैंने बाउल में थोड़ा सा डिश जेल ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे हमें अटैचमेंट को क्लीन करने के लिए एक नॉर्मल स्क्रबर की ज़रूरत होगी, पर जो स्क्रबर है वो मेटल का नहीं होना चाहिए, वरना हमारे जो अटैचमेंट होते हैं उन पे हल्के से निशान पड़ जाएंगे और फ्रिज हमारी देखने में फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम चारों तरफ उसको लगाने के बाद हम क्लीन वाटर से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इनको इस तरीके से क्लीन करने से ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट है जो आप देख सकते हैं नीचे से कितनी गंदी हो रही है, तो उसको पानी से ही हमें वॉश करना होगा, तभी हम इसको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे जो अटैचमेंट है उनको धो के उल्टा करके रख दिया है ताकि इनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तभी हम इनको फ्रिज में लगाएंगे। तो आधा घंटा हो गया है, तो चलिए अब हम अपनी फ्रिज की क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो हमने जो ये DIY क्लीनर बनाया था उसको हम एक बार सेक कर लेंगे और इस तरीके से स्प्रे कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने डोर को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि डोर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप एक क्लीन टूथब्रश भी ले सकते हैं और इसको हम हल्का हल्का स्प्रे करने के बाद इस तरीके से रगड़ते जाएंगे, तो इससे जो भी आपके फ्रिज में हल्के दाग धब्बे लगे हुए हैं वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो ये रबड़ आप देख रहे हैं इस पर हल्के हल्के से दाग लग गए हैं,
और ये भी हम स्प्रे करके और रगड़ देंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएंगे। इनको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ये जो मैंने DIY क्लीनर बनाया है, ये इससे बहुत ही जल्दी फ्रिज क्लीन हो जाती है बगैर किसी मेहनत के। और इस तरीके से हल्का हल्का हम ब्रश से इसको रगड़ते जाएंगे, और जो हमारी ये रबड़ होती है इसको आपको अच्छे से क्लीन करना होगा, क्योंकि जो रबड़ है अगर ये थोड़ी सी भी गंदी रह जाती है तो कॉकरोच होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और इस तरीके से अगर आपकी जो रबड़ है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है तो आप उसको इस तरीके से निकाल भी सकते हैं और फिर उसको आप पानी से भी धो सकते हैं। पर यहाँ पे जो मेरी रबड़ है ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं, इसलिए बस मैं थोड़ा सा ही उसको क्लीन कर रही हूँ। और इस तरीके से स्प्रे करते हुए मैंने टूथब्रश से चारों तरफ से रगड़ रगड़ के ये जितने भी थोड़े बहुत दाग थे वो मैंने सारे हटा दिए हैं। ये देखिए, और अब हम अपनी फ्रिज को अंदर की तरफ से भी क्लीन कर लेते हैं। तो जो हमने DIY क्लीनर बनाया है उसको हम इस तरीके से स्प्रे कर देंगे चारों तरफ, और उसको स्प्रे करने के बाद हम फिर से वही टूथब्रश ले लेंगे, और जहाँ पे हम अपने हाथों से अच्छे से नहीं क्लीन कर पाते हैं तो हम टूथब्रश से ही उसको रगड़ लेंगे जहाँ पे हम अटैच करते हैं, अटैचमेंट का जो स्पेस दे रखा होता है। तो टूथब्रश से क्लीन करने में वहाँ पे बहुत ही आसानी रहती है। बस इस DIY को लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। जो भी पीले दाग धब्बे हैं वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम हल्का हल्का जहाँ पे भी आपको लगे कि आपके दाग धब्बे पड़े हुए हैं टूथब्रश से उनको रगड़ दीजिएगा, तो बहुत ही जल्दी ये सारे दाग धब्बे क्लीन हो जाएंगे। और नीचे की तरफ जो हमारी ये वेजिटेबल बास्केट होती है उसके नीचे काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर दीजिएगा, और उसके बाद टूथब्रश से हमें रगड़ना होगा ताकि जल्दी से हमारा वहाँ पे भी क्लीन हो जाए। और उसके बाद हम अपने फ्रीजर की तरफ चलते हैं। तो हम इस DIY से अपने फ्रीजर को भी साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंदर काफ़ी गंदा हो गया है, तो हम DIY क्लीनर को स्प्रे कर देंगे और वैसे ही ब्रश से इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। अब हम एक बर्तन में साफ़ पानी ले लेते हैं, और एक हमें साफ़ किचन टॉवल भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम अपनी किचन टॉवल को पानी में डिप कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम टॉवल से हटा लेते हैं। और जहाँ पे भी हमने अपने DIY क्लीनर को लगाया है हम इस किचन टॉवल से उसको क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए, जो फ्रिज है वो एकदम नए जैसे चमकने लगेगा, कहीं भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे, और फ्रिज में बिल्कुल भी गंदी स्मेल भी आपको पता नहीं लगेगी। पर फ्रिज को आप बस किचन टॉवल से ही पानी में डिप करके ही साफ़ करिएगा। बहुत ज़्यादा पानी डालने की फ्रिज में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पानी को वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बस जब भी आपको लगे कि आपका किचन टॉवल थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो फिर से आप इसको डिप करिए, और एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद जहाँ जहाँ भी हमने DIY क्लीनर को लगाया है वहाँ पे आप इसको अच्छे से रगड़ते हुए साफ़ कर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने DIY क्लीनर लगाया है मैं इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा गंदा था, और आप देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है, हमारी फ्रिज एकदम नए जैसी लग रही है। तो इसी तरीके से साफ़ करते हुए मैं पूरी फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। अब गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद हम एक ड्राई किचन टॉवल ले लेंगे, और उससे फिर हम अपनी फ्रिज को एक बार फिर से क्लीन कर लेते हैं ताकि कहीं भी मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। तो मैंने जो ड्राई किचन टॉवल ली थी उससे मैंने फ्रिज को सही से क्लीन कर लिया है, उसके फ्रीजर में भी नीचे की तरफ और फ्रिज के डोर पे भी। और अब आप देख ही सकते हैं कि फ्रिज एकदम नए जैसी लग रही है, कहीं पे भी इसमें दाग धब्बे नहीं रहे हैं, और हमारी फ्रिज बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से क्लीन हो गई है। पहले आपने देखा था कि फ्रिज कितनी ज़्यादा गंदी थी, और जो मैंने आपको आज DIY क्लीनर बताया है उससे आप फ्रिज को बहुत ही आसानी से और कम मेहनत के साथ क्लीन कर सकते हैं, और घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, फ्रीज़र आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा चमक रहा है, और हमारी फ्रिज में हल्की सी शाइनिंग भी आ गई है। और जिस तरीके से मैंने फ्रिज को अंदर से साफ़ किया है उसी तरीके से मैंने DIY क्लीनर से फ्रिज को बाहर से भी साफ़ कर लिया है, और आप देख ही सकते हैं कि बाहर की तरफ भी कितनी बढ़िया शाइनिंग आ गई है। और उसी तरीके से मैंने फ्रिज को ऊपर की तरफ से भी DIY क्लीनर से साफ़ कर लिया है,
और साइड में भी मैंने फ्रिस्को साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया शाइनिंग आ गई है, कोई भी दाग धब्बे नहीं रह गए हैं। तो फ्रिस्को पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद उसके जो भी अटैचमेंट हैं उनको भी हमें लगा देना है। तो यहाँ पे जो मैंने अटैचमेंट वॉश करके रखे थे उनके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने ड्राई किचन टॉवल से क्लीन कर दिया है। और क्योंकि जो अटैचमेंट है अगर उन पर थोड़ा सा पानी रह भी जाता है तो उसके भी दाग लग जाते हैं, तो उनको पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और ये वेजिटेबल बास्केट है इसे भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे डोर में से जो भी मैंने अटैचमेंट निकाले थे उनको मैंने वहीं पे फिट कर दिया है। तो ये देखिए हमारी फ्रिज पूरी तरीके से एकदम क्लीन और नए जैसी लग रही है। और अब मैंने जो भी फ्रिज में से सामान निकाला था उनको भी हम एक बार ड्राई किचन टॉवल से साफ़ करने के बाद ही फ्रिज में रखेंगे, वरना फिर से दाग पड़ जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको ये फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।